एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें वाइल लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का फ्लोचार्ट डिजाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने फ्लोचार्ट को तो पहले से यहाँ पर डिजाइन कर दिया है, और अब समझ लेते हैं कि ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर से नीचे जाते समय हमें एक नंबर एक ऐसा ज़रूर मिलेगा जो कि या तो बढ़ रहा होगा या फिर कम हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, आई बोलेंगे। आई बोलने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर ये आई वन लिखा है तो इसका मतलब ये फर्स्ट रो है, ये टू लिखा है इसका मतलब सेकेंड रो है, ये थर्ड रो हो गई, ये फोर्थ रो हो गई। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, वन से लेकर फोर तक, यानी जो हम लूप चलाएंगे आई का वो वन से लेकर फोर तक चलेगा। अब एक नंबर हमें ऐसा जरूर मिलेगा जो कि ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये नंबर है ये नंबर कॉन्स्टेंट रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि जे की वैल्यू हो गई फोर से लेकर आई तक। तो अब इस लॉजिक को हम यहाँ फ्लो चार्ट में समझते हैं। तो हमने क्या किया, वन से लेकर फोर तक लूप चलाया, क्योंकि तो आई हमारा वन चल रहा है वन से लेकर फोर तक। वन से फोर बनाने के लिए हमें इंक्रीमेंट करना होगा, तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू चलानी है, जे की वैल्यू चलाएंगे फोर से लेकर आई तक, तो फोर से लेकर आई तक हमने लूप चलाया। अब क्या करेंगे, जब आई की वैल्यू वन होगी तो क्या होगा, जे कहाँ चलेगा, फोर से लेकर वन तक चलेगा, आई की वैल्यू वन है क्योंकि, तो फोर थ्री टू वन डिक्रीमेंट करते हुए 4321 ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट हो गया। जब अगली बार में आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू टू हो जाएगी, तो क्या चलेगा, ये फोर से लेकर टू तक चलेगा, तो फोर थ्री और टू ये जे प्रिंट कर देगा। अगली बार में आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री, तो फोर से लेकर थ्री तक फोर थ्री प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगली बार में जब आई की वैल्यू फोर हो जाएगी तो फोर से लेकर फोर तक एक बार जे यानी कि फोर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा इस फॉर लूप से, यानी फॉर लूप का कंसेप्ट ये है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।